गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत ब्लॉग। तो गाइज आज अष्टमी स्नान है, आज बसंती पूजा है, आप सभी लोगों को मालूम और आप सभी लोगों को बसंती पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं जा रहा हूँ डिब्रूगढ़, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है अष्टमी स्नान का, तो इसलिए जा रहा हूँ डिब्रूगढ़ जेके दास। चलिए फिर से दिखाते आप लोगों को, फिर से मिल गया भाई को। भाई हेलो कर दो। अरे बोलिया ना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लेकिन एक घंटा पूरा खड़ा था इसके लिए, उसके बाद है मतलब आएगा, एक साथ में जाएगा ये सोच के रखा था। और आज है अष्टमी स्नान, मतलब जो नदी होता है नदी में नहाते हैं, हाँ। तो वही तो इसीलिए हम लोग जा रहा है और वीडियो सीडियो करेंगे, मस्ती से करेंगे और वीडियो बढ़िया होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं। Many unbearable hours later. तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़, और इस तरफ है मेन घाट मतलब बीजेपी डिब्रूगढ़ पड़े सुबह, तो इधर से घुसना पड़ेगा हम लोग को। सामने यहाँ पे पूरा दिखे फॉलो दिखे बैठा हुआ है, भैया 40 रुपया के जी कह रहा है। और ऐसे बाहर में लेकिन यहाँ में काट के खाने का भी सुविधा है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, इस तरफ से तिनसुकिया से आता है गाड़ी, और इस तरफ है मोरान का रास्ता, और इस पर में है मेन रोड माथावडी का जो डीटीपी का रोड है। तो अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे आराम से। भाई पार हो गया। सबसे बड़ा बात है गाइस, डिब्रूगढ़ में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब पार होने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी पार हो गया जैसे तैसे। और भाई आ रहा है पीछे में, और इस तरफ है मेन माथावडी। बहुत जोर का टॉयलेट लगा रहा है, माथावडी में घुसते आप लोग को एक चाय का दुकान मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा। और मतलब हम लोग का भी थोड़ा भूख जैसा लगा, इसमें चाय पियेंगे और साथ में खा लेंगे, चलो भी चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ में एकदम मेला में जाके, एकदम मेला लगाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मतलब इस मेला में हर टाइम आते रहता हूँ लेकिन मेला में नहीं आया। भाई भी आज फर्स्ट टाइम आया, भाई फर्स्ट टाइम आया ना, फर्स्ट टाइम आया। मैंने मेला में मेला देखा नहीं, तो नहीं देखा। अच्छा जैसे कल काम नामरूप में था, यहाँ पे काम वो कर नहीं इधर आया था काम से। अच्छा तो भाई भी आया नामरूप से, और हमें भी मेला देखना है, और अच्छा लगा है, चाय भी काफ़ी बढ़िया था। बट सर जी मेला कितना बजे तक रहता है यहाँ मेला? बढ़िया है, गुवाहाटी से भी आदमी आते हैं बोला है। ठीक है दिन में का वीडियो देखिएगा मैडम। तो गाइस ये रहा माथावडी का मेन सीढ़ी, देखिए यहाँ से आप लोग सीधा ऊपर उठना सही है, एकदम रास्ता है, और इस साइड में मतलब उतरने का रास्ता है, लेकिन हम लोग इधर से चलते चले भाई उधर से गए। और इस साइड में देखिए पूरा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया है नज़ारा, आप लोगों से मिलते ऊपर जाके देख सकते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब दूसरा दिन से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारा देखिए दुकान पर लगा हुआ है। और ये जगह में मैं हर टाइम आते रहता हूँ, यहाँ पे आके बैठता हूँ काम होने के बाद, लेकिन आज में देखिए जो भीड़ है बहुत ही बढ़िया है। पीछे में आगे दो भाई बहन जा रहे हैं। दूसरा दिन सिर्फ यहाँ पे दुकान लगता है नीचे में इस लाइन पे, और आज में देखिए पूरा नीचे में भी दुकान वगैरह लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा आदमी है बार बार। कितना 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 रुपया? 10 रुपया। बढ़िया है, साइज बहुत बड़ा है। और इधर में देखिए पूरा मेला मेला लगा हुआ है, दुकान पार्क बहुत ही बढ़िया है, पूरा खिलौना वगैरह देखिए। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी का पार्क, आदमी बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही सस्ता सस्ता में सामान मिल रहा है हमें, 100, 150, 200, 250। यहाँ पे चना का दुकान भी है, देखिए देख सकते हैं बढ़िया दुकान लगे हुए। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे अंदर लेके जा रहा हूँ, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरह देखिए पूरा एकदम जलेबी जलेबी पूरा बना रहे हैं। तो गाइस भाई को मिल गया है, जैसे तैसे ढूंढ के निकाला है, और इतना सारा आदमी हो रहा है, घूम हो गया, घूम हो गया था भाई, डर गया था, बहुत कहाँ चला गया था, छोटा बन गया, बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत मेला हो रहा है, मतलब नाइस नाइस ब्यूटीफुल। देखिए पूरा मेला ही मेला, ओ चंदा इतना प्लेट कितना? 20 टका। बढ़िया बढ़िया। और इधर में आप लोग पूरा देखिए
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेला लास्ट यहाँ तक है और इसके बाद एक पहाड़ जैसा है, यहाँ पे मैं उठ गया हूँ, भाई भी उठ गया है साइड में। और देख सकते हैं इधर मैं पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का सामने सब लोग बैठा हुआ है, पूरा कपल सब देख सकते हैं आप लोग। और इधर से मेला देखें, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है मेला का, अच्छा लग रहा है, हवा मतलब पूरा हवा हवा लग रहा है। सबसे बड़ा बात है गाइस मतलब डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया का बीच में अगर कोई बड़ा मतलब अष्टमी मेला होता है तो यही होता है डिब्रूगढ़ माथावटी का सामने। No. आप लोग भी आइए नेक्स्ट ईयर से, काफी बढ़िया मेला होता है। देखिए भीड़ देखिए आप लोग, बहुत बाहर बाहर से आदमी आ रहा है यहाँ पे, देखिए सब लोग पूरा व्यस्त है। भाई पीछे में भाई, ओ भाई ये देखा, इस तरफ देखिए पूरा पानी में आदमी लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब देखिए। और चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे दो भाई लोगों को मिल गया, देखिए काम है इधर लावल में घर है, कितना बजे तक रहेगा यहाँ पे? आपका 6 बजे तक। अच्छा 6 बजे तक यहाँ पे रहता है, आप लोग आइए, इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आइए आराम से। भाई लोग बैठता है मेहनत करता है पूरा दिन लगा के, आप लोग भी आइए सामान वामान लेके जाइए। भाई क्या नाम है भाई? अभिजीत पाल। मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत ब्लॉग। और तुम्हारा नाम? साहिल। ना साहिल क्या? साहिल पाल। साहिल क्या मैं सामने ओ चलता में घर लावाल में घर। ठीक है ठीक है मिलता है। तो गाइस अभी यहाँ पे मतलब पानी पूरी खाने के लिए रुका है हम लोग। भैया आपका नाम क्या है? भैया मनोज कुमार। सर क्या नाम है? भैया 10 का 4 पानी पूरी दे रहे हैं, हम लोग एक फ्री दे रहे हैं, खाएंगे आराम से और पूरा घूमेंगे मेला, टेस्ट भी बताएंगे आप लोग को। रुकिए भाई हाथ से खा लेते हैं। रुको तो आप लोग देख सकते हैं पीछे में टेंडर लेके बैठा है भाई, 70 ओनली 70 में मिल रहा है, देखिए ओनली 70। नेक्स्ट ईयर ये सब नहीं मिलेगा। कोई बताए यहाँ पे देखिए दाऊ लेके बैठा है पूरा एकदम नारियल करने का, बहुत ही बढ़िया है मेला, मतलब हर एक चीज मिलेगा आप लोगों को, हर एक सामान मिलेगा। आइए आराम से लेके जाइए पूरा बैग भर्ती करके। देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा लगाया गया है, मतलब लेडीज आदमी आने से तो पागल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपये में क्या मिलेगा? 20 रुपये में, वाह 20 रुपये में किलो बढ़ाया है। नहीं मिला तो खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो गाइस यहाँ पे और एक भैया को मिल गया जो मेरा बॉस था पहले कंपनी का, मजा था मेला में। ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं गाइस पीछे में बहुत ही बढ़िया मतलब बजा है, पूरा एंजॉय लग रहा है, देखिए देखिए आप लोग। चलिए अभी आप लोग को सीधा नदी का पार्क का सामने लेके जाते हैं। भाई उधर में नीचे चला गया है, एक्चुअली डिब्रूगढ़ का जो मेन जगह है आदमी लोग आके खड़ा होता है तो यही जगह है जहाँ पे आके आदमी लोग पूरा खड़ा होता है एनी टाइम, मतलब कुछ भी मतलब मन अगर आपका खराब लगता है तो यहाँ पे आइए आराम से रुकिए, ये जगह का पूरा फील लीजिए। देखिए आदमी कैसा है पीछे में, बहुत ही बढ़िया है जगह, आदमी बहुत आता है यहाँ पे, डेली यहाँ पे आदमी आता है। आप लोग आइए यहाँ पे मतलब बैठिए आराम से, जगह का फील लेके जाइए। तो गाइस यहाँ पे बैठ के जो शांति मिल रहा है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया शांति मिल रहा है,
जो हम आता है ना मतलब धीरे धीरे पानी देखिए पूरा बह रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है मतलब ये जगह में बैठ के। मैं आने से यहाँ पे बैठता हूँ एनी टाइम, काम वाम करके यहाँ पे आके थोड़ा देर मतलब टाइम बिता के उसके बाद भी आता हूँ। देखिए नज़ारा, ये रात डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है। इस साइड का भी दिखा देते आप लोगों को, देखिए मस्त नज़ारा है भाई, मस्त नज़ारा। तो गाइस यहाँ पे तीन भाई लोगों को मिल गया, घर यहाँ में सामने में है। घर कहाँ में बोला है? पाचाली। पाचाली डिब्रूगढ़ पाचाली में लोगों का घर। देखिए तीनों का चेहरा देख लीजिए, पहचान लीजिएगा। और यहाँ में मतलब मेला में फर्स्ट टाइम आया ना, पहले भी आया फर्स्ट टाइम आया, ऐसे कामों में आते हैं लेकिन मेला में नहीं आया। ठीक है, फिर मिलते आप लोगों से थोड़ा देर बाद। तो गाइस मैं आप लोगों को साइड का व्यू दिखाने वाला हूँ, देखिए मेरा साइड का व्यू। और दादा जी एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो नहाता है उसमें स्नान में किस लिए नहाता है, एक कहानी कुछ आपको मालूम है? एक महीने में इसे कुछ बच्चे में खड़ा होता है जिसे मैंने नहाना चाहिए। अच्छा, किस लिए तो नहाने से क्या होता है? चौथ महीने में नहाना पड़ता है किस लिए? एक तो मैंने भाषण की पूजा होता है ना। हाँ, हमें तो बड़ा पारा में भाषण की पूजा होता है, जैसे दुर्गा पूजा जैसे दुर्गा पूजा में कुछ नियम होता है? नियम मैंने नहाने से क्या होता है, आदमी शुद्ध हो जाए, आदमी शुद्ध हो जाए। अच्छा अच्छा, तो अभी मालूम चला है पूछ लिया पंडित जी से, मतलब ये अष्टमी मेला में नहाने से आदमी शुद्ध हो जाता है तो इसलिए नहाता है। ठीक है पंडित जी, आप कहाँ में रहते हैं? गाँव में। अच्छा अच्छा, आपका नाम? संतोष चक्रवर्ती। संतोष चक्रवर्ती, हमें भाग लेते। ठीक है सर, यहाँ पे भैया को भी मिल गया है। देखिए कहाँ से आए? हम तो यहाँ आए ससनपाल से। ना यहाँ से। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें साल में जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हम पूछिए से आए। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? कार्तिक देवनाथ। कार्तिक देवनाथ, अच्छा अच्छा, मैं भी देवनाथ से हूँ। देवनाथ से पिंचिका कहाँ? पिंचिका मेरा घर है, शिवपुरी है ना। हाँ, मैं भी तो शिवपुरिया में है। अच्छा अच्छा, शिवपुरिया का आदमी मिल गया, एक फोटो क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से नाव का मालिक का मतलब पूछ लिया, यहाँ पे उठू का उसके मतलब थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा व्यू। कैसे आपका नाम? मनोज चौधरी। मनोज चौधरी, घर यहाँ में ही है? अच्छा अच्छा, मैं चिंतिया से आया हूँ, थोड़ा बैठ लेते हैं। ठीक है, कैसे परमिशन दे दिया, थोड़ा बैठ लेते हैं। जो भी बोलिए गाइस, ये मज़ा बहुत ही बढ़िया है, मतलब नदी का बीच में एक नाव में बैठ के मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं ये जो मज़ा है बढ़िया लगता है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना हूँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चाचा आप लोगों का तो दिल्ली का काम है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? चाचा डेली चलाता है लेकिन फिर भी चाचा को अच्छा लगता है, सोचिए। यही है मतलब प्रकृति, प्रकृति का सामने कोई भी कुछ नहीं है। अब जितना भी लाइटिंग कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रकृति प्रकृति है। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पीछे का नज़ारा देखिए आप लोग, पूरा आदमी आदमी है चारों तरफ। आप लोग देख सकते हैं गाइस, नज़ारा जो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, देखिए। ओ भैया, ओ भैया, भैया सुना नहीं है, आगे चला गया। इस तरफ देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, चारों तरफ आदमी आदमी है। ये रहा डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। तो गाइस यहाँ में भैया लोग नाव का ऊपर सब्सक्राइब किया मेरा चैनल, पूरा नाव का ऊपर में देखिए प्रकृति का मज़ा लेके। देखिए भैया आता है, हाँ मेरा दोस्त हमें खड़ा है, मैं तो रुकता रहा। अच्छा लगा भैया लोगों से मिलके। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी तक आदमी आ रहे हैं दूर दूर से, और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, बहुत लेट हो गया है और अभी बस पकड़ना पड़ेगा। भाई चला गया आगे में, भाई कहाँ गुम हो गया मालूम नहीं है, रास्ते में पहुँच गया बोला है। नमस्ते जी, आता है देख सकते हैं, भीड़ अभी तक है। बाप रे बाप,
इतना ज्यादा भीड़ है, अभी तक आदमी आ ही रहे हैं। ओके बाय टाटा। सबसे बड़ा बात है गाइस, मतलब नदी का जो ऊपर में रास्ता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है देखिए, और हमें वहाँ का लिया गया कौन है, मैंने इसे कहीं देखा है? यही तो बादशाह है। मैं आगे तक नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चले जा रहे हैं, चलते हैं दादा। नो 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 नो। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ये साइड से, मतलब उतरने का रास्ता है वो मेन गेट था, तो इसलिए मैं इधर से उतर रहा हूँ। एक भाई है, इसका भी एक चैनल है, रिकी ऑफिशियल ब्लॉग। अच्छा, तो क्या नाचोगे? और अच्छा लगा मिलके, तो मतलब वीडियो कर रहा था तो बोला है यूट्यूब का चैनल है, तो बात हो गया। चलिए मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी बहुत लेट हो गया है और बारिश भी आ रहा है, भाई आगे चला गया है अकेला छोड़ के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं, बस भी पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।